हरे कृष्णा। भारत का यशस्वी चंद्र अभियान, उस पर एक भगवद गीता पर्सपेक्टिव। कुछ समय भारत विश्व में पहला देश बना इसने चंद्र के साउथ पोल पे अपना रोवर लैंड किया चंद्रयान मिशन के अनुसार, और चौथा देश बना है वो ये किया है। ये सारे विश्व में एक अचरज और भारत में भारतीयों में एक बहुत आनंद और गर्व का यह एक अवसर है। तो इसको हम भगवीता की दृष्टि से किस तरह से देख सकते हैं, तो मैं तीन चीजों के बारे में चर्चा करूंगा इसमें। पीओडी पॉड या एक्रोनिम के अनुसार जो है, जैसे स्पेस पॉड होता है जिससे हम जा सकते हैं, तो पॉड। पी है परस्पेक्टिव। ये शास्त्र जो भगवदगीता और भगवदगीता की जो इस परंपरा से आती है, वो एक विशाल सागर के समान है, और आधुनिक जीवन है, आधुनिक जगत है, वह भी बहुत जटिल कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब आधुनिक जगत में कोई घटना घटी है, जब उसको हम देख रहे हैं शास्त्रों से, तो शास्त्रों के किस विधान से, किस शब्द से हम देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के पास जब कोई कुल हथौड़ा आ जाता है, तो हथौड़ा से उनको किसी किले को ठोकने में इतना आनंद आता है, तो वो सारे दुनिया को किला ही बना देती, सर हर चीज को ठोकना चाहते। तो कभी कभी शास्त्रों से हम एक विधान लेते हैं और वो विधान हमारे लिए हथौड़ा बन जाता है, और फिर हम उससे हर हर चीज को ठोकने का प्रयास करते। तो ऐसा शास्त्रों ऐसा करना न केवल जरूरी नहीं है, पर ऐसा शास्त्रों की जो गूढ़ता है, शास्त्रों के जो सखोल ज्ञान है, उसके भाव के विपरीत जाता है। अभी शास्त्रों में हाँ ये बताया गया, प्रभुपाद जी ने भी दोहराया है कि चंद्र जो है यह एक ऊंचा ग्रह और स्वर्गीय ग्रह में से एक है। तो उसमें कहते हैं कि हम मानव जाना संभव नहीं है हमें, क्योंकि हमें उसकी पात्रता नहीं है, पुण्य की पात्रता नहीं है। अभी प्रभुपाद जी ने ऐसा विधान किया है, पर ऐसा ही विधान नहीं किया चंद्र के अभियान के बारे में। छह अलग अलग प्रकार के विधान किए हैं, उसके बारे में अलग वीडियो पूरा वीडियो बनाया मैंने, और उसका वर्णन नीचे मैंने दिया है लिंक का। तो अभी अगर हम जो शास्त्र का ज्ञान है उसको लिटरली लेते हैं, मतलब हर विधान जो है हमारी धारणा से हम जिसको समझते हैं वैसी ही समझ उसको लेते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है ये भूमि देवी है। तो हम पूरे पृथ्वी के धरातल पर घूम सकते हैं और कहीं हमको भूमि देवी नहीं मिलेगी, तो क्या उसका मतलब है कि हम पृथ्वी पे ही नहीं है? और क्या उसका मतलब है भूमि देवी का अस्तित्व नहीं है? नहीं, उसका मतलब है कि भूमि देवी ये एक देवी है, वो अस्तित्व है, पर एक अलग स्तर पे है अस्तित्व, और वह हमें हमारे आंखों से दिखता नहीं है। इसीलिए इस भौतिक जगत में जो भी घटना घटती है, उसे हमें केवल इससे मेरे विश्वास का वृद्धि होती है या मेरे विश्वास का क्षय होता है। दिस कंफर्म्स माई फेथ और दिस चैलेंजेस माई फेथ, इसी दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों में कि अलग अलग उसी चीज को अलग अलग दृष्टि से देखा गया है शास्त्रों में। अभी भागवतम और भगवदगीता में देखते हैं, भगवदगीता में भी देखते हैं, भगवदगीता में एक दृष्टि से बताया गया कि जगत दुखालय है, पर उसी भगवदगीता में बताया कि इस जगत में बहुत सौंदर्य है, और सौंदर्य जो है, जो महिमा है, जो महान चीजें हैं, वो भगवान की विभूति है। तो दो जगत, इस जगत के बारे में दोनों दृष्टिकोण है। तो हर दृष्टिकोण का एक उद्देश्य होता है, जब ये जगत दुखालय कहे कि हमें इसके परे भी एक जगत है, उसकी प्राप्ति करना हमारा जीवन का परम यश है वो। और जब इस जगत में भी विभूति है, भगवान सौंदर्य है, उसका बताने का उद्देश्य है कि इस जगत में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की महिमा को देख सकते हैं। तो उस तरह से स्वर्ग के बारे में देखते हैं हम, तो भगवदगीता में बताया गया कि स्वर्ग को भी प्राप्ति कर लेता है कोई, तो भी क्या होता है, उसको पुनः इस जगत में आना पड़ता है। से बताया गया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं। उसी तरह से 9वें अध्याय में बताते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यम लोकम विशन्ति। तो स्वर्ग में जाना कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाते हैं तो पुनः पुण्य खत्म होने के बाद यहीं पे आ जाते हैं वापस। पर जिस अर्जुन को वो भगवदगीता बताई गई है, वही अर्जुन बाद में भागवतम में प्रथम अध्याय के 15वें प्रथम स्कंध के 15वें अध्याय में बताता है कि
प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से मैं स्वर्ग जा पाया इसी शरीर में, और न केवल इस शरीर में जा पाया मैं, पर वहां पर जाकर इंद्र के आसन पर इंद्र के साथ बैठने का आदर मुझे मिला। और यह उसे अभी अर्जुन माया नहीं कह रहे हैं, यह आपकी महिमा है, यह आपके कृपा की महिमा है। तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति केवल एक माया का एक लक्षण है, कुछ क्षण के लिए प्राप्त होता है, या स्वर्ग प्राप्ति भगवान की कृपा है, वो दृष्टि पर निर्भर है। हाँ, अंतिम आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ग प्राप्ति भी ज्यादा स्थायी नहीं है, अस्थायी है, पर इस भौतिक जगत की दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति ये बहुत ही अद्भुत है। और उसमें भगवान का हाथ देखना, यह अर्जुन की भक्ति और अर्जुन के कृष्ण भावना का लक्षण है। तो उसी तरह से चंद्रायन को भी हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। तो उस दृष्टि से भक्त हमेशा देखना चाहते हैं जिससे कि अपनी भक्ति में वृद्धि हो सके, हम भगवान का स्मरण हर जगह कर सके। और उससे आता है दूसरा ओ, पीओडी का ओ, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मतलब कि भगवद गीता में बताया है कि हम भगवान का स्मरण न केवल मंदिर में जाके कर सकते हैं, पर इस जगत में भी जो भी चीज आकर्षक होती है उसे देखते हैं, तो उसमें भी हम भगवान की के परम आकर्षण का एक अंश देख सकते हैं। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभव। 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया गया है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जब इस जगत में कोई ऐसी चीज घटी है, जैसे होती है, जैसे कि भी चंद्रायन हो गया, तो इसमें भी जो भक्त है वो भगवान की विभूति को देख सकता है। भगवान गीता में बताते हैं कि पौरुषम नृषु, कि जब किसी व्यक्ति में कोई शक्ति होती है, कोई क्षमता होती है, कोई प्रज्ञा प्रतिभा होती है, तो वो भगवान की ही उन पर कृपा है। और फिर जयोस्मि व्यवसायोस्मि, कि अगर कोई व्यवसाय प्रयास करता है, कोई एंडेवर करता है, उसमें एडवेंचर होता है, उसका बहुत कुछ उसमें उत्साह होता है, उसमें एक्साइटमेंट होता है, तो उसके बाद में बहुत प्रयास करने के बाद यश मिलता है, विक्ट्री होता है, तो ये सारा अनुभव जो है यह भी एक तरह से भगवान की कृपा है। और उसमें भी हम भगवान की विभूति देख सकते हैं, जब एक्साइटमेंट और विक्ट्री होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली भावनाएं और अनुभव होते हैं। जैसे जब चंद्रयान पे चंद्रयान चंद्र की ओर उतर रहा था, तो लाखों लोग देख रहे थे और बड़े उत्साह से, बड़े चिंता से, उत्कंठा से देख रहे थे। तो तभी जो अनुभव है और बाद में यश जो हुआ, वो भगवान का ही भगवत अनुभव ही है वो। तो अभी ये जो यश होता है आसानी से नहीं मिलता है। कुछ सालों पहले भारत का चंद्रयान जो 2 था, वो चंद्र के काफी करीब जाकर गिर गया, और फिर अभी कुछ समय पर रशिया का मिशन भी जो है वो अयशस्वी हो गया। तो कोई अगर कह सकता है कि ये सब मोह ही है, ये सब एक रचाया हुआ नाटक है, तो अगर कोई नाटक रचा रहा है, लाखों रुपए खर्च करके नाटक रचा रहा है, तो फिर उसमें वो अपयश क्यों दिखाएगा, हमें यश ही दिखाएगा। तो इस तरह से नकारात्मक दृष्टि से जो मानव ने प्रयास किया है और उससे कुछ प्राप्ति की है, उसको उसे ठुकरा देना, यह भगवान की जो विभूति है वह न देखना, वह हमारे ही दृष्टि में एक अभाव होता है, और ऐसा अभाव हमारे ही भक्ति के अभाव को दर्शाता है। जो भक्त होता है, हर चीज में भगवान का संबंध, भगवान का सानिध्य, या भगवान से संबंध होने की क्षमता, यह देखता है। हनुमान जी जब लंका में गए, जब रावण को पहले बार उन राज सिंहासन पर देखा, तो उसकी शक्ति का जो कैरिश्मा था, ये देख के रावण हनुमान ने ये सोचा, कह रहे अगर राम सही में भगवान है तो इसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। ने ये सोचा कि इसमें इतनी सारी शक्ति, अगर ये भगवान का भक्त होता तो ये जगत के लिए कितना कल्याण कर पाता था। उस तरह से जो विभीषण बाद में प्रभु श्री राम के शरण में आए, तो कई वानरों ने सोचा कि ये तो रावण का भाई है, उसके जैसा ही होगा, तो उसको ठुकराने का या उसको गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। पर प्रभु श्री राम ने क्या देखा, उसमें भगवत भक्ति, भगवत सेवा की जो क्षमता थी वो देखा, ये एक शरणागत व्यक्ति है। तो सारग्राही, जो हर चीज में जो भगवान भक्ति के अनुकूल है उसे देखना, यह भक्ति का लक्षण है। तो यह है ऑप्यूलेंस, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है डायरेक्शन,
तो अभी हर जगह पे जब भगवान का ऑपुलेंस ऐश्वर्य देखते हैं तो वो भगवान की ओर जा रहा है, जरूरी नहीं है, पर हमें देखना है कि ये भगवत अनुभूति हम कर रहे हैं उससे हम उससे क्या लोग भगवान के करीब जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं। तो अभी चंद्रयान है, भारत ने यशस्वी रूप से किया है, उसका मतलब क्या है? एक तरह से इससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि हम भी यशस्वी हो रहे हैं, दुनिया की भारत के प्रति सराहना बढ़ रही है। और भारत ऐसा देश है कि जिसमें प्राचीन काल से आध्यात्म भक्ति, इसके बारे में न केवल ज्ञान पर उसका संस्कृति भी एक प्राचीन समय से चली आ रही है। और अभी भारत भी उसी धर्म और आध्यात्म के और पुनः जागृत हो रहा है। सारे विश्व में भी योग, कीर्तन, इन चीजों के बारे में रुचि बढ़ रही है। अभी इससे अगर आत्मविश्वास भारत का बढ़ जाता है चंद्रयान के यशस्वी होने से, और उससे फिर भारत और अपने ही संस्कृति, अपने ही प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः अन्वेषण करने में प्रेरित होता है। तो इस भौतिक कि इस यश को हम केवल भौतिक यश दे सकते हैं, पर ये भौतिक यश जिन्होंने किया है, जो वैज्ञानिक थे, वो तिरुपति बालाजी भी गए थे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, जो आज के भारत समाज है, वह अगर इस यश से प्रेरणा लेता है और उससे आध्यात्मिक एक्सप्लोरेशन, आध्यात्मिक खोज और आध्यात्मिक प्रगति करने में भी प्रेरित हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है कि भारत महान है, पर भारत की महिमा क्या है, भारत की महानता क्यों रही है, इसमें अगर हम भगवद गीता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के बारे में बड़े विचारवंतों ने सारे विश्व भर से उसकी सराहना की है। पिछले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रभुपाद जी ने क्या किया था, भगवद गीता को ग्लोबलाइज किया था, इस ग्लोबलाइजेशन के जगत में, के समय में। और आज के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कई बार भगवद गीता परदेशी राजाओं, परदेशी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को दिया है, कहते कि यही इससे बेहतर हम भारत और कोई भारत से ले नहीं सकते हैं। तो अगर इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भगवदगीता से आध्यात्मिक ग्रंथों के ज्ञान और उनमें जो बताई गई संस्कृति उसके और एक्सप्लोर करें, तो फिर भारत जो है न केवल विश्व में प्रगति करेगा, पर विश्व में बहुत बड़ा योगदान भी कर सकता है, न केवल भौतिक आध्यात्मिक भी। महाराज युधिष्ठिर के जब राजा थे वो भारत के, तो न केवल उसमें बहुत आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, पर भौतिक दृष्टि से भी समृद्धि थी। तो हॉलिस्टिक पूर्णतया जो अगर प्रगति है वो हो सकती है, और हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान के यश से जो आत्मविश्वास भारत का पड़ रहा है, उससे भारत हॉलिस्टिक प्रोग्रेस करे, पूरी तरह से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में प्रोग्रेस करे। अगर भारत अर्जुन जैसे बन जाता है, भारतवासी अर्जुन का भाव अनुशीलित करते हैं, तो अर्जुन अपने 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 क्षेत्र में धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे और उसके साथ साथ महान भक्त भी था। तो वैज्ञानिक हो या अलग भारत भारत में अलग अलग नागरिक हो, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में निपुण होते हैं, पर उसके साथ साथ अगर जो भारत में भगवान भगवत चेतना काफी समय से है, तो जैसे भगवत गीता के अंत में अर्जुन और कृष्ण मिल जाते हैं, जैसे बताया गया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर, वहां जरूर विजय होगा, वहां पर जरूर विभूति होगी। तो वैसे ही अगर भारत अर्जुन जैसे बन जाता है और भगवान के साथ जुड़ जाता है, तो फिर भारत न केवल विश्व के कल्याण के लिए योगदान कर सकता है, पर एक अद्वितीय योगदान करके विश्व के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जा शुरू कर सकता है। तो यही हमारी आशा और अपेक्षा है कि यह चंद्रयान से मिलने वाले आत्मविश्वास से एक नया अध्याय विश्व के इतिहास में भारत शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो सारांश में हमें देखा किस तरह से कि भगवीता की दृष्टि क्या है चंद्रायन के यशस्वी होने पर, कि अलग अलग दृष्टियां हो सकती है, तो हमें वो दृष्टि देखनी है जो वो पर्सपेक्टिव जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और वो उसको क्या है कि ऑपुलेंस, हम इस जगत में कुछ अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, तो उसमें हम भगवान की विभूति देखते हैं, और डायरेक्शन वो विभूति इस तरह से देखनी है जिससे कि हम भगवत चेतना में और भगवान के और करीब जा सके। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।